नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा। चुनाव का उत्तर प्रदेश चुनाव का 7वां चरण बाकी है, 7 मार्च को मतदान होना है और निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहे, हमने लगातार देखा और दिलचस्प भी रहे क्योंकि यहाँ पर टक्कर बहुत महत्वपूर्ण रही, चाहे हम सत्ता की बात करें, चाहे विपक्ष की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, तो चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है और जैसा कि लोगों का कवरेज भी रहा है, मीडिया की सूत्रों की जानकारी भी रही है और विशेषज्ञों की राय भी रही है कि ये चुनाव जो है वो गठबंधन बनाम गठबंधन ही रहा है। पर इन गठबंधनों के बीच कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी हैं सारी सीटों पर, अलग अलग प्रतिज्ञाओं के साथ में, अलग एजेंडे के साथ में, तो कहीं ना कहीं उनका भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कुछ उलटफेर वो भी कर सकती हैं। इसलिए हम इस चुनाव में उनको भी तवज्जो देना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उनको दरकिनार करेंगे या उनको पीछित करेंगे तो कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा क्योंकि सबने मेहनत की है। अगर हम एक पार्टी की बात करें, क्योंकि पार्टियाँ जितनी भी हैं सारे अपने अपने बात बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं हम 300+ आ रहे हैं, बहुमत से सरकार बना रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे सपा की बात करें, जितनी पार्टियाँ सारी बात ये कह रही हैं। पर विशेषज्ञों की तरह उनका कहना ये है कि ये चुनाव जो है ये गठबंधन चुनाव है, एक तरफ बीजेपी गठबंधन है, दूसरी तरफ सपा गठबंधन है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियाँ हैं वो भी यहाँ पर टक्कर देती नजर आ रही हैं। तो ये हमारा आज की चर्चा का विषय है। उस चर्चा विषय पर जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदीप तिवारी जी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से देशबंधु दीक्षित जी हैं और सपा से प्रदीप चौधरी जी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो जो पहला जो हमारा मुद्दा रहेगा इस चर्चा का विषय कि प्रदीप जी ये बताइए, गठबंधन चुनाव को कहा जा रहा है कि बीजेपी गठबंधन है और सपा गठबंधन है, तो जो अन्य पार्टी उनकी भूमिका कहाँ गई, क्या मानते हैं? प्रदीप तिवारी जी हैं जी, गौरव जी, प्रदीप चौधरी जी, देखो चुनाव, हेलो जी, ऐसा लगातार जिस तरीके से दुष्प्रचार ये किया जा रहा है कि भाजपा बनाम गठबंधन है, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास निषाद पार्टी है, अपना दल है और भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में कहीं भी अकेले चुनाव नहीं लड़ा है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 85 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती है और तब जाके चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ पाती है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, 5 वर्ष 2017 में जनता को गुमराह करके, झूठ बोल के, हिंदू मुस्लिम रमजान शमशान करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। जब सत्ता में दोबारा जाने का मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मंच से ना विकास की बात की, ना रोजगार की बात की, ना रोटी की बात की, ना स्वास्थ्य की बात की, ना चिकित्सा की बात की। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर के या अपने विकास के कार्यों को लेकर के हमने कौन से वायदे किए, 5 वर्ष सरकार चलाने के बाद हमने ये पूरा किया या आगे पूरा करेंगे, ऐसी कोई बात किसी भी नेता ने किसी मंच से नहीं की। 2012 से 17 माननीय अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई, घोषणा पत्र को अक्षर से पालन करने के बाद में जो बातें घोषणा पत्र में नहीं थी, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे लोक भवन हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, उनको भी एक नियत समय में पूरा किया। प्रदेश में नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया, कन्याओं को कन्यावेदन देने का काम किया, किसानों को दुर्घटना बीमा देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 वर्षों में नौजवानों पर लाठी बरसाने के अलावा, रात के 12 बजे दलित की बेटी को जलाने के अलावा, उन्नाव जैसी घटना हो, चिन्मयानंद जैसी घटना हो, भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में किसी को कोई रोजगार नहीं दिया, रोटी नहीं दी, ना कोई विकास किया। केवल किया तो 5 वर्ष दिल्ली से कैंची आती थी और बाबा फीता लेके मिलते थे, अखिलेश यादव जी के कामों का फीता काटा, नाम बदला, उद्घाटन किया। प्रदेश की जनता जिस तरीके से महंगाई से लड़ी है, कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प गए, लोगों को बेड नहीं मिले, लोग मर गए, सिलेंडर चौगनी कीमत में मिला, लोगों को जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं, जमुना जी में लाशें बह रही थी, ये सब आंखों से आम जनमानस ने देखा है। और गौरव जी, उसी का आज जनता में आक्रोश है। मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री 20 हेलीकॉप्टर लेके प्रदेश में घूम रहे हैं लेकिन अकेली साइकिल का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। प्रदीप जी,
प्रदेश की आम जनमानस ने, गौरव जी आम जनमानस चुनाव लड़ रहा है, त्रस्त है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, नौजवान लाठियां खाने से त्रस्त है, तमाम परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। प्रदीप जी मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा मैं आपको तारू, जो चर्चा का विषय है वो विषय ये है कि ये चुनाव है, कहा जा रहा है जो विशेषज्ञ है, जो एक चलन चल रहा है और ये जानकारी मिल रही है, बोला जा रहा है कि चुनाव है, ये भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच है। तो मेरा कहना ये है कि अगर भाजपा और सपा गठबंधन के बीच चुनाव है तो जो अन्य पार्टियां हैं जो काम कर रही हैं, जो अलग अलग प्रतिज्ञाओं के साथ आई हैं, अलग एजेंडे के साथ आई हैं, उन पार्टियों की भूमिका कहां है, उसमें आपकी राय चाहिए। देखो इस प्रदेश में गौरव जी, इस प्रदेश में कोई पार्टी कहीं स्टैंड नहीं करती है, ना कांग्रेस करती है, और आम जनमानस ये मान गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है। मायावती जी प्रेस करके कह चुकी हैं कि हम सपा को हराने के लिए भाजपा के साथ चले जाएंगे। जिस दलित वोटर की, जिस जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी का मूलत वोटर है, वो आजीवन आरक्षण, उनका आरक्षण खत्म, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बैकलॉग नहीं भरे जा रहे हैं, इसीलिए वो वोटर अब समझ गया है कि हमारा भला अखिलेश यादव जी के साथ में है, क्योंकि अखिलेश यादव जी माननीय काशीराम साहब को, अंबेडकर साहब को, लोहिया जी को और चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, इसलिए चुनाव सीधा सीधा अखिलेश यादव बनाम भाजपा है। कांग्रेस, कांग्रेस और कर रही है, प्रदेश ने मन बना लिया है। आने वाली 10 तारीख को आप देखेंगे, अंतिम चरण 7 तारीख को 54 सीट का चुनाव है, की भूमिका कहां जाएगी, जमानत नहीं बचा पाएगी, कांग्रेस की भूमिका कहां जाएगी, आर प्रतिज्ञाओं के साथ आए हैं, अच्छे एजेंडे लाए हैं, पेंशन स्कीम भी लागू कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति वोट खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, कांग्रेस का वोट खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, कौन नहीं जानता है, बहुजन समाज पार्टी को दलित समाज का वोट अगर वोट चला भी जाएगा वो जानते हैं, इससे तो हम डायरेक्ट भाजपा को दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाएंगी। इसलिए अब आम दलित हो, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे सारे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, कामगार हो, सारे लोगों ने मन बना लिया है और प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और अखिलेश यादव जी की तरह आशा भरी नजरों से देख रही है और इस प्रदेश के अखिलेश मुख्यमंत्री के रूप में 10 तारीख को अखिलेश यादव जी जवाब लेते हैं। प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी क्या मानते हैं, इनका कहना है कि पूरा चुनाव सपा गठबंधन वर्सेस बीजेपी गठबंधन है, कांग्रेस की भूमिका नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 की सरकार रही हो, इन दोनों पार्टियों ने बारी बारी से इस प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है। अखिलेश यादव जी की जब गवर्नमेंट आती है तब भी उस विद्यार्थी और उस छात्र पे लाठी चार्ज किया जाता है, उस छात्र अगर नौकरी मांगता है तो लाठी चार्ज होता है उसके ऊपर, उसको नौकरी नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है, सरकार से जब वो छात्र, जिसको बताते हैं योगी आदित्यनाथ जी से जब पूछा जाता है कि आप युवा जो है बेरोजगार है, उसको आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका कहना होता है कि हमारे प्रदेश में युवा जो बेरोजगार है, योग्य हमें उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जबकि जब वही योग्य उम्मीदवार अपना रोजगार मांगता है तो उसको पुलिस के द्वारा बंदूक की बटों से पीटा जाता है। किस तरीके से पीटा जाता है ये मीडिया चैनलों के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। बात जब होती है महिलाओं की, महिला सुरक्षा, न महिला की सुरक्षा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में थी, न भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में थी। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इस उत्तर प्रदेश में गायत्री प्रसाद प्रजापति जैसे लोग डेवलप हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आपने देखा होगा कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग इस प्रदेश में जन्मे और उनको फल्ले फूलने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने उन लोगों को बढ़ाया। जब हाथरस जैसी घटना होती है, एक तरफ तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलित के घर में जा करके खाना खाने का काम करते हैं, दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, और दूसरी तरफ जब उसी दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है एक जाति विशेष के व्यक्तियों के द्वारा, तो इसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं उस परिवार को शिक्षा देने का काम क्या करते हैं, कहते हैं कि उस परिवार ने उस बेटी को शिक्षा नहीं दी होगी अच्छी, इसलिए ऐसा जघन्य अपराध हो गया है, जबकि उसके साथ में खड़े हो जाते हैं जाकर के जो अपराधी हैं। उसी तरीके से इन्हीं के सांसद जो साक्षी महाराज हैं वो क्या करते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। न ये, इन्होंने हर वर्ग को, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो,
सबसे बड़ी जिम्मेदारी जब 2022 का चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इन्होंने 2017 में जो घोषणा पत्र के माध्यम से वादे किए थे कि हम आएंगे तो 70 लाख रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पे सदन में कहा जाता है कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, वो भी एक जुमला है, फर्जी डेटा है। रोजगार देने का काम किसको किया जाता है? सतीश चंद द्विवेदी जी जो है बेसिक शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने फर्जी EWS के सर्टिफिकेट के द्वारा अपने भाई को रोजगार दिलाने का काम किया। जब बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और मीडिया में बातें आई तब जाकर के उनको उस पद से हटाया जाता है। तो ये प्रदेश की जनता भी समझ रही है और इस देश की भी जनता समझ रही है, आने वाले समय में जब प्रदेश का चुनाव हो, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है आप देखेंगे 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पे एक बहुत बड़ा शून्य मिलेगा, ये शून्य ही उनको सही रास्ते पे ले जाने का काम करेगा। तो शून्य मिलेगा, दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो गौरव जी आपने जो विषय रखा था वो विषय हमारे लग रहा समाजवादी मित्र और कांग्रेस मित्र समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपने विषय रखा आज के डिबेट का, देखिए क्या किसको मिलेगा शून्य, और शून्य का बहुत बड़ा शून्य का ही आपने देखा होगा, हमारे विवेकानंद ने शून्य के ऊपर शिकागो में सम्मेलन कर दिया। शून्य की महत्ता मैं अपने कांग्रेस मित्र को बता दूं, जिस नंबर के आगे लग जाता है वो चीज़ हो जाती है। अब रही बात, आपने जो विषय आज छेड़ा है या डिबेट का जो मुद्दा रखा, कांग्रेस गठबंधन बनाम समाजवादी गठबंधन, उसके बाद अन्यत्र जो स्वतंत्र पार्टियां हुई, देखिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए आप डिबेट पे आके खाली ये किया वो किया नहीं, विषय को समझिए। लोकतंत्र का पर्व होता है, और गौरव जी जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ जो विषय को समझे, लोकतंत्र के पर्व में सभी पार्टियों को ये उनका नैतिक भी अधिकार है, संवैधानिक भी अधिकार है कि वो चुनाव में उतर सकती हैं और अपनी बातों को अपने संकल्प पत्र को रख सकती। देखिए हमने क्या नहीं किया, नहीं किया, मैं एक ही बात उत्तर दूंगा अपने कांग्रेस मित्र को, आप 32 वर्ष से उत्तर प्रदेश में अपनी बात जनता जनार्दन को समझा नहीं पाए, और आप हमसे बताते हैं हमने ये नहीं किया, हमने रोजगार नहीं दिया, हमने वो नहीं। अगर आपने कहा समाजवादी वाले मित्र हमारे कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप बताइए 2014 में यही उत्तर प्रदेश है जहाँ की 24 करोड़ की जनता ने 73 लोकसभा सीट पे हमें आशीर्वाद दे के विजयी बनाया, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार ने सत्ता संभाली। उसके बाद भी इन्होंने GST और नोटबंदी का विरोध किया, हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विरोधी रही GST और नोटबंदी की। उसके बाद 3 साल बाद 2017 के चुनाव हुए गौरव जी, 2017 में 325 सीट के साथ, जिसमें SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे अन्य जातियाँ हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने हमें भरपूर वोट दिया, आपके डांटे आंकड़े इस बात का गोतक है। 2019 में भी इन्होंने कहा GST ला के हमने कुठाराघात किया, हमने गैस के दाम बढ़ाए, GST आने के बाद भी आपने देखा होगा टैक्सेशन में कितनी पारदर्शिता आई, आज हर रोजगार आदमी हर जो रोजी करने वाला अपना समय से टैक्स चुनाता है। उसके बाद भी 2019 में लोकसभा चुनाव में हम 62 सीटों पर विजयश्री प्राप्त कर दिए, और देखिएगा 2022 में भी जनता जनार्दन का अंतिम फैसला भी हमारे हक में आएगा। फिर किसने विकास की बात की, किसने हीन बात की, किसके कार्यकाल में कितने दंगे हुए, किसने लोगों के रोजगार दिए, और रही बात हमारे कांग्रेस के मित्र आज रोजगार की बात करते हैं, देखिए तार्किक बात करिए, डिजिटलाइजेशन हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है, मेक इन इंडिया हुआ है, इससे करोड़ रोजगार होते हैं। ODOP आप जानते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप मालूम है इतनी ज़्यादा घरेलू हो चाहे कुमार हो कहार हो कोई हो बाड़ी हो सफाई कर्मचारी हो, वो आदमी आप बात करें, मैं एक योजना का बात बता दूं, PMKY हो UPSDM हो, उत्तर प्रदेश कौशल विकास हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, उसके माध्यम से आज जिले जिले वार उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में रोजगार है, वो रोजगार नहीं स्वरोजगार है, स्वरोजगार और रोजगार देखिए वो भी उसके अंतर्गत आता है। और आपने सपा बसपा की गौरव जी आप बता रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे कलंकित दिन था, वो था जब लोक सेवा आयोग के सदस्य को बर्खास्त किया गया, वह किसकी सरकार थी, किसकी सरकार में चीनी मिले बात हुई, और हमारे कांग्रेस वाले मित्र बता इनका तो धरातल ही नहीं है, आज इनके युवा राजकुमार कोई और वक्तव्य देते हैं, कल कोई वक्तव्य देते हैं, हम ही ने लोगों को चाहे महिला सुरक्षा की बात हो
चाहे महिलाओं को सुरक्षा के लिए शौचालय की बात हो, इज्जत घर बना के दिया, उनके लिए आवास की बात हो, वह भी हमारी सरकार ने दिया। 40% सीटें भी दी है ना कांग्रेस ने महिलाओं को, और उसके और रही बात विकास के मुद्दे पे, अब इनके पास कोई बात नहीं। आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, और ये आरएसएस की विचारधारा के लोग जो हैं, इनको महिलाएं पसंद नहीं आती हैं। ये महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सोच सकते हैं। उन्होंने कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं केवल एक बात कहूंगा गौरव जी, 10 मार्च को नतीजे आने दीजिए। जवाब लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रदीप जी ये बताइए, प्रदीप तिवारी जी, इनका कहना है कि कांग्रेस धरातल में नहीं है, रोजगार अब मैं दिया है, मेड इन इंडिया किया है, मेक इन इंडिया किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जी, इन्होंने जो रोजगार दिया है उसी तरीके से किया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नाली से गैस निकले, हमारे मित्र हैं नौजवान पकोड़े अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, अभी भाषण में कहा कि सांड के गोबर से रोजगार मिलेगा। तो जितनी सोच है, जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि 12th करने के बाद, इंटर करने के बाद लैपटॉप मिलेगा, तो मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, रोजगार कहाँ दिया आपने? प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हुई, जिस भर्ती के नौजवानों ने तैयारी की वो लीक हो गई, परीक्षा केंद्र पर पहुंचा वो पेपर देने, पता लगा परीक्षा लीक हो गई, चाहे वो जल निगम की भर्ती लीक हुई, टीईटी वाले, पीजीटी वाले, शिक्षा मित्र, दरोगा भर्ती, एनऑल सिंचाई विभाग की जो भर्ती हुई, लेखपाल की, सारी भर्तियां लीक हुई। ये लोग रोजगार देना नहीं चाहते, क्योंकि रोजगार अगर ये देंगे, और जैसे शिक्षा, आज 2 वर्ष हो गए कोरोना काल में, लोग पूरी फीस दे रहे हैं, आज बच्चे पढ़ाई से 2 वर्ष वंचित हो गए, किसी स्कूल में फीस माफ करने का काम गवर्नमेंट ने नहीं किया। और रही बात रोजगार की, इन्होंने कहा पकोड़े तलेंगे, अरे 200-250 रुपए लीटर कड़ुआ तेल बिक गया, पकोड़े कौन खाएगा भाई? ये लोग गुमराह करते हैं देश में। जो भारतीय जनता पार्टी नौजवान को बेरोजगार रखना चाहती है, अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि अगर नौजवान पढ़ जाएगा तो इनसे सवाल करेगा, और भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये बता, मैं पूछना चाहता हूँ तिवारी जी से, क्या आप बता पाओगे टीईटी वालों की परीक्षा कैसे लीक हो गई? बता पाओगे नौजवान विधानसभा के सामने लाठी क्यों खा रहा है? 5 वर्ष आयु में हमारा नौजवान पछड़ गया, जो जिसकी आयु अभी पूरी होने जा रही है, वो कहां भर्ती देखने जाएगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो नौजवान ओवरएज हो गए नौकरी भर्ती देखने से, उनको भी समय बढ़ा करके मौका दिया जाएगा, और नौजवानों को 11 लाख जो पद खाली है नौकरी दी जाएगी, और 22 लाख नौकरी आईटी सेक्टर में देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसलिए रोजगार हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, किसान हो, कामगार हो, मजदूर हो, कोरोना काल में कितने ने देखा, जिस तरीके से मजदूरों ने रात को प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि कल से लॉकडाउन रहेगा, वो बेचारे अपने घर कैसे पहुंचे? प्रदीप चौधरी जी, प्रदीप तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं, उनसे जवाब लेना है, उनसे जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, आपने नहीं देखा लोग कितना 250-500, 500-700 ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी लेते हैं आपको, अपना बच्चा खींच के ले गए, अभी जवाब लेते हैं प्रदीप चौधरी जी, अभी जवाब लेते हैं आपसे। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, सिलेंडर नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला। प्रदीप चौधरी जी, विकास की बात, स्वास्थ्य की बात करते हैं। प्रदीप चौधरी जी, अभी जवाब लेता हूं आपसे। गौरव जी, आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है, ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे 22 में उत्तर प्रदेश, 24 जवाब लेता हूं, खदेड़ा होगा। जवाब लेता, जवाब दो प्रदीप तिवारी जी, अपने जवाब कंटिन्यू करें जी। देखिए, जैसे भी हमारे सपा के मित्र जो कह रहे थे कि रोजगार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो छात्रों और महिलाओं और किसान हर वर्ग को ठगने का काम किया, मगर समाजवादी पार्टी के मित्र, जिस शिक्षा मित्रों को बढ़ चढ़ के उनका पक्ष लेने की बात करते हैं, इन्हीं की गलत नीतियों के कारण आज शिक्षा मित्र जो बच्चे हैं, वो शिक्षा मित्र के बच्चे रोजगार बेरोजगार हो गए, फिर से उनको 10,000 रुपए की नौकरी फिर से करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने उनके लिए एक नीति नहीं सही बनाई। सुप्रीम कोर्ट से उनको अगर वहां से हटाया गया उनके मूल पद से, तो इसी वजह से हटाया गया, क्योंकि आपने सही ढंग से नीति बना करके आपका आपने कोई काम सही दिशा में किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं, वो भी बता रहे थे कि हमने, अगर आप पूछेंगे तो बता देंगे, इतने सारे हमने डेवलपमेंट कर डाला है। भाई डेवलपमेंट दिखाई क्यों नहीं देता है? धरातल की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि पार्टियों से हमने गठबंधन कर लिया है, जात विशेष की पार्टियों से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया हो या भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, मगर कांग्रेस ने जो गठबंधन किया है वो इस प्रदेश
प्रदेश की जनता से गठबंधन किया है और इस प्रदेश की जनता से जो हमारी नेता हैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो गठबंधन है वो 10 मार्च को आप लोगों को दिखेगा कि वो गठबंधन कितना कामयाब हुआ है। जिस वर्ग को आपने ठगने का काम किया है प्रियंका गांधी जी उन सबकी लड़ाई लड़ती हुई उत्तर प्रदेश में आपको नजर आई होंगी, चाहे आपने षड्यंत्र के तहत किस तरीके से लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी, उसके बाद इसी हाईकोर्ट में लखनऊ के हाईकोर्ट में आपके द्वारा पैरवी नहीं की जाती, सरकार के द्वारा पैरवी नहीं की जाती है और आशीष मिश्रा की जमानत हो जाती है। आपने एक तरफ तो खुशी दुबे को जेल में डाल के रखा, दो दिन की शादी होकर के जो लड़की आई थी, दूसरी तरफ आप क्या करते हैं उसकी पैरवी करेंगे कि बेल नहीं हो सकती है, मगर दूसरी तरफ एजी साहब कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं और आशीष मिश्रा की जमानत हो जाती है। इस प्रदेश का किसान देख रहा है कि किस तरीके से आप किसान के हत्यारों के साथ में हैं। जब महिलाओं की बात आती है, मैं वर्तमान में भी बताता हूं कि मैं पिछली घटनाएं जो हाथरस की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई, उसके साथ में नई घटना बताता हूं। इन्हीं के जो मंत्री हैं, इन्हीं के मंत्री हैं लखनऊ की पूर्वी विधानसभा से मंत्री हैं आशुतोष टंडन जी, उनके परिवार की घटना है। उनके परिवार में बेटी सुरक्षित नहीं है। कैसे बेटी सुरक्षित नहीं है? उन्हीं के घर की बहू आयुष टंडन जी की वाइफ जो है उसने क्या किया कि उनको उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको जान से मारने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, मगर वो एफआईआर लिखाने जाती है, एफआईआर नहीं लिखी जाती है, वो दर दर भटकती रहती है, मजबूरन उसको हाईकोर्ट जाना पड़ता है और कल की डेट में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर होता है, उस पर क्या हुआ विपक्षियों को हाईकोर्ट में तलब किया गया है और उस बेटी को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगर इस प्रदेश में न्यायपालिका ना हो तो भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज में किसी को न्याय मिल पाना बहुत ही असंभव। जवाब लेते डीसी जी क्या कहना है? देखिए जैसे हमारी कांग्रेस के मित्र ने बोला तो मैं बता दूंगा, ये 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया खुशी दुबे से इनकी सहानुभूति हो सकती है, सहानुभूति सबकी है, लेकिन जो काम किया विकास दुबे ने प्रकृति जो है किसी भी धरातल पर। कुलदीप सेंगर ने काम किया तो आप उसकी वाइफ के साथ में खड़े हो जाते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि कुलदीप सेंगर अपराधी हो सकता है मगर उसका परिवार अपराधी नहीं हो सकता है। लड़का जेल में गया, आप देखिए एक तरफ बात होती है, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आप एक तरफ कहते हैं कि अगर कुलदीप सेंगर अपराधी है तो सजा कुलदीप सेंगर को मिलेगी, दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपराधी विकास दुबे है मगर सजा खुशी दुबे को मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे ले आते हैं भाई? इस तरीके का दोहरा चरित्र कैसे ले आते हैं भाई? अरे देश में बेचने के काम में आप आएंगे तो आपने हर चीज को बेचने का काम कर दिया। आप जिस हवाई चप्पल वाले व्यक्ति को प्लेन में उड़ाने की बात करते थे, आज उस प्लेन को भी बेच दिया, एयरलाइंस को बेच दिया, आपने रेल को बेचा, सेल को बेचा, रेल बेचा, गेल बेचा, सेल बेचा, सबको बेच के रख दिया। आज रोजगार डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। आपने रोजगार डेवलप नहीं किए, कोरोना काल में लाखों लोग मर गए। बारी बारी बोले, बारी 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 जनता विश्वास कर सकती है। यह बात तो जनता जनार्दन भी जानती है कि लोकतंत्र की है कि आपके दोनों राजकुमार जो हैं वो बेल पे छूटे हैं। कौन सा ऐसा विकास है कि आलू से सोने का चिप्स बनता है? आप मुझे बताएं विकास की धारा 32 साल से कहां उत्तर प्रदेश में आई? आपका कौन सा उत्तर प्रदेश का सरकार बोलते हैं? पंजाब हवा में चलने वाली बसें चलाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, पहले से देख लीजिए आप लोगों को जान आश्चर्य होगा। बनारस में हवा में चलने वाली बसें चलाने वाले हैं, बुलेट ट्रेन चल रही थी भाई, भाई काशी को क्योटो बनाने जा रहे थे, हमें हमारा काशी दे दो, हमको क्योटो नहीं चाहिए, हमें हमारा काशी दे दो, हमें काशी चाहिए, हमारा हमें क्योटो नहीं चाहिए। किस तरीके से बिजनेसमैन के रूप में आप डेवलप हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आज किस तरीके से बिजनेसमैनों से संबंध के कारण काशी को क्योटो बनाने पे तुले हैं, भाई हमें हमारा काशी चाहिए, क्योटो नहीं चाहिए। आप जाके देखिए काशी कॉरिडोर जो है की बात, आप काशी कॉरिडोर की बात करते हैं, वहाँ की एक एक जनता काशी कॉरिडोर से खुश होती है। काशी चाहिए, काशी की पहचान काशी है, क्योटो से काशी की पहचान नहीं होने वाली है। आस्था का विषय है और राम क्योटो बना देने से काशी की पहचान आप नहीं खत्म कर सकते हैं। आप बात करते हैं कांग्रेस वाले, आपने तो राम से रहने दीजिए, आप लोग जिस तरीके से आपने वहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों को विध्वंस किया है, परिकल्पना है, बनारस की जनता आपको माफ नहीं करेगी, वो बनारस की जनता और भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने छोटे छोटे मंदिरों को विध्वंस करने का काम किया है, राम परिकल्पना, राम 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 और आप बात करते हैं राम प्रदेश और भारत की जनता के रोम रोम में बस भाई, एक एक करके बोलिए। राम के नाम पे ठगने का काम किया है, राम के नाम पे एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। एक एक बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। जनता पार्टी के लोगों ने राम के नाम पे चंदा चोरी करने का काम किया। राम आस्था है, केंद्र है, राम इस प्रदेश और इस देश के एक एक व्यक्ति के दिल में बसते हैं, मगर आपने उनके नाम पे चंदा चोरी करने का काम किया है। भगवान राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज आप राम की बात करते हैं, आप रोज पूछते थे मंदिर कब बताएंगे, डेट नहीं,
भी जाकर देखिए, आप भी कहते थे धारा 370 नहीं खत्म होगी, हमारे ही प्रधानमंत्री का ये कर्मठता और जीवटता का भाई हवाई चप्पल एयर इंडिया में कब चलेगा, जिस एयर इंडिया को प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया, जिस एयर इंडिया को प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया हवाई चप्पल वाला कब चलेगा, एयर इंडिया में हवाई चप्पल वाला कब चलेगा, एयर इंडिया में हवाई चप्पल वाला कब चलेगा। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा जो है वो केवल ये है कि इस चुनाव में भाजपा गठबंधन, सपा गठबंधन और जो पार्टियां स्वतंत्र रूप से लड़ रही हैं उनकी भूमिका क्या है, कांग्रेस की भूमिका। प्रदीप तिवारी जी आप बताइए। जी, कांग्रेस की भूमिका देखिए, जो 2022 का चुनाव है, मैंने पहले ही बोला कि जो समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी है, एक जाति विशेष को अपने साथ में ले करके, जाति विशेष के कुछ नेता हैं उनको अपने साथ में ले करके ये दावा करती है कि ये पूरे समाज का भला करने का काम करते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी हों, अगर उनको टिकट देना होगा तो अपने बेटे को देकर टिकट पूरे समाज का भला कर देते हैं। इधर संजय निषाद की तरफ आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो भी क्या करते हैं कि अपने बेटे को टिकट दे करके पूरे निषाद समाज का भला करने का दावा करते हैं, मगर जब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस क्या करती है, वो समाज के लोगों के साथ में गठबंधन करती है, वो समाज के दुख दर्द में हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी खड़ी होती हैं, वो चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिला हो। किस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा पंचायत के चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लखीमपुर में महिला का चीरहरण करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ गुंडे हैं तो दूसरी तरफ हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, जो इस प्रदेश में जनता के साथ में गठबंधन करके उनके दुख दर्दों को समझते हुए प्रदेश में उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी को हमको पूरा विश्वास है कि वो जिसको भारतीय जनता पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने ठगने का काम किया है, कांग्रेस के साथ में आएंगे। कांग्रेस की दीक्षित जी तो बोल रहा है कि धरातल ही नहीं है कांग्रेस का, साफ साफ बोल रहा है। देखिए देखिए, ये तो कभी नहीं स्वीकार करेंगे, ये इनको पता चलेगा, इससे पहले इनका क्या धरातल था ये पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि जुमले जो बोले जाते हैं उनका इम्पैक्ट क्या होता है। कुछ ही समय के लिए आप जुमले बोल निकल के जनता को भ्रमित करने का काम किया आपने, जिस तरीके से आपने ठगने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया, इस बार 2022 में जनता आपको सत्ता से बाहर कर आपको सही रास्ता दिखाने का काम करे। जवाब दीजिए। मैं अपने कांग्रेसी मित्र को बता दूं, आप कहते हैं ठगने, 2004 से 2014 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी और सपा उसमें सम्मिलित थी और आदरणीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुआ करते थे, और उसके बाद आपने वही महाठगबंधन उत्तर प्रदेश में किया, क्या हश्र हुआ उसकी परिकल्पना आपने देख दी, जनता जनार्दन ने आपके ठगबंधन और महागठबंधन का क्या हश्र किया, उसके बाद आपने मायावती से गठबंधन किया और उसका क्या हश्र हुआ वो भी देखिए। हम कह रहे हैं तीसरा असफल प्रयोग का उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये कांग्रेसी मित्र और समाजवादी मित्र 10 मार्च को क्या करेंगे। गौरव जी आप भी जानते हैं 11 तारीख को टिकट बुक हो गया है, उसके बाद कोई जवाब नहीं देगा और कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और आपको बता दें जो ये बात करते हैं संप्रदायवाद की, परिवारवाद की, आप उत्तर प्रदेश की जनता उकता गई आपको, एक परिवार का आपको बताएं, एक ही परिवार का मुखिया, उसके बाद उसका बेटा, यह मानसिकता नहीं चलेगी। अब जो काम करेगा, जो प्रगतिवादी सोच रहेगा, जिसके पास एक व्यापक आयाम होगा और जिसका एक उद्देश्य होगा और एक विजन होगा, हमारी सरकार एक विजन लेके चलती है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे वो हमने भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हो, आप चाहे डबल इंजन की सरकार देख लिए 2014 से 2022 एक आरोप सरकार आकंठ में डूबी थी, भ्रष्टाचार के कारण ही जनता जनार्दन ने इतिश्री कर दी। और आप बताएं उत्तर प्रदेश, जवाब लेते जवाब तो ये कहीं ना हाई जवाब लेते प्रदीप चौधरी जी। जी गौरव जी बताइए, दीक्षित जी कह रहे हैं जाने वाले हैं, 11 मार्च को टिकट बुक हो गया है, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। दीक्षित जी अभी मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। गौरव जी इन्होंने कहा है परिवारवाद, कल्याण सिंह जी के पुत्र राजवीर सिंह के पुत्र संदीप सिंह, राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह, लालजी टंडन के बेटा आशुतोष टंडन, अमित शाह के बेटा जय शाह, क्या वो परिवारवाद नहीं है? इन लोगों को संजय निषाद से इनका गठबंधन है, वो एमएलसी और बेटा सांसद है। मेरा ये कहना है भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इस बार उत्तर प्रदेश ने जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दलों के साथ गठबंधन है लेकिन समाजवादी पार्टी साथ का जो गौरव जी गठबंधन है वो किसान के साथ है, नौजवान के साथ है, महिलाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, वो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक सर्व समाज के साथ एक गठबंधन किया है।
और 2022 जो चुनाव है अंतिम चरण में है, आज प्रचार बंद होने जा रहा है। 10 मार्च को गौरव जी गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में और साइकिल की रफ्तार होगी और इस प्रदेश में आम जनमानस की सरकार होगी। चल सन्यासी मंदिर में डीसी जी जवाब दीजिए, आप भी देख लीजिएगा 10 तारीख दूर नहीं है, आज 7 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। डीसी जी क्या जवाब देंगे चल सन्यासी मंदिर में? सूप तो सूप चलनिया भी बोले, आप बता दीजिए। अभी आप बात करते हैं परिवारवाद की, आपने नाम लिया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र की बात की, आपने और भी पुत्रों की बात करी। आप यह बताइए समाजवादी में पार्टी में अखिलेश यादव के बाद उनके पुत्र को छोड़कर, आप कह दीजिए प्रतिष्ठित चैनल पर बोल रहे हैं उनके पुत्र को छोड़कर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता नहीं। परिवारवाद की पहले परिभाषा सीखिए, परिवारवाद किसे कहते हैं। पीढ़ियों द्वारा हमारी पार्टी में जो भी पुत्र आए हैं कोई नहीं कह सकता एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, और यह परिवार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि एक संत जो है आज राजयोगी बन के मुख्यमंत्री बन के प्रदेश का नेतृत्व चला रहा है। आप कह सकते हैं परिवारवाद इसे कहते हैं, परिवारवाद ये नहीं होता है पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता का स्थानांतरण। पहले मेरे प्रदीप चौधरी जी सीखिए परिवारवाद की परिभाषा क्या होती है। हमारी पार्टी में एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, अरे वह तो छोड़िए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हम किसी जाति विशेष की बात नहीं करते हैं, हमारे यहाँ सभी जाति का सभी वर्गों का सम्मान होता है। और आप बात करते हैं 10 मार्च को आ जाएगा और परिवारवाद किसे कहते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है, कभी भी छलनी में पानी नहीं रुकता है, यह एक सिद्धांत है और आर्कमिडीज का सिद्धांत है, आप इसको जान लीजिए। और किसी का पुत्र आ जाए वह अपनी योग्यता पे आता है। 20 वर्षों तक माननीय पंकज सिंह ने जब सेवा की तब उन्होंने जो है परिवारवाद का है। आप बताइए आपके यहाँ पिता का ही सम्मान नहीं होता, आपके यहाँ चाचा को ही मंच नहीं दिया जाता है, आप बताइए परिवारवाद ये है। परिवार में ही एक बहू, आप बहू की बात कर रहे थे, एक बहू छोड़ के आज हमारी पार्टी में आ गई है। आप अपने परिवार को ही जब संगठित नहीं कर सकते तो वो परिवार होता है, उसे परिवारवाद कहते हैं। चलिए समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। तो आज जो मुद्दा रहा वो मुद्दा रहा कि जो ये चुनाव है ये बीजेपी गठबंधन चुनाव रहा या सपा गठबंधन चुनाव रहा, और इन चुनाव के बीच गठबंधनों के बीच सबसे बड़ा जो पार्टियाँ उभर के आ रही हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, इनको भी हम उपेक्षित नहीं मान सकते, इनको भी हल्का नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी अलग नीतियां हैं, इनके अपने अलग एजेंडे हैं। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 40% महिलाओं को सीट देती हुई आई है इस चुनाव में, 40% महिलाओं प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो यहाँ पर एक बड़ा जो फेरबदल वो भी देखा जा सकता है कि महिलाओं को भूमिका भी दी है। तो आज का जो निष्कर्ष वो ये है कि अगर इस चुनाव को हम महज भाजपा गठबंधन और सपा गठबंधन चुनाव देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये जो हमारी मानसिकता है या हमारा जो एक सोच है वो कहीं ना कहीं गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि फैसला 10 मार्च को आना है और सारे दलों ने तैयारियां पूरी की है और सबने मेहनत की है, सबने लगातार रैलियां की हैं, सभाएं की हैं और आम जनता के बीच पहुंची हैं, कि और आम जनता को बताया है कैसे वो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सबके अलग एजेंडे रहे, सबकी अलग प्रतिज्ञाएँ रही, पर फैसला 10 मार्च को होगा, क्योंकि अब फैसला जनता जनार्दन के बीच में है, हाथ भर है कि सपा गठबंधन जीतेगा कि भाजपा जीतेगा कि कहीं पर और बहुत बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। तो आज की बीकन चर्चा में इतना ही, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।